यह अति प्राचीन भंडोपुर तीर्थ है जहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी मूल नायक हैं, जो लगभग 2200 वर्ष प्राचीन है। साथ ही गुरु आस्थाओं का भी परम श्रद्धा केंद्र है। यहाँ पर राजेंद्र सूरी महाराज साहब का वर्षों से पूजित स्थल रहा है, उनके द्वारा साधना स्थली भी रही है। साथ ही हमारे वर्तमान इस शासन काल के पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब हुए, उनका भी समाधि स्थल यहाँ पर है। और आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व उनका आचार्य पद प्रदान का विशालतम कार्यक्रम हुआ था। साथ ही उनके गुरु भ्राता योगी राज श्री शांति जी महाराज साहब हुए, उनका भी यहाँ पर समाधि मंदिर है। अतः यह भारतवर्ष के समस्त गुरुओं का परम श्रद्धा केंद्र है और श्रद्धालुओं का हर प्रांतों से निरंतर आवागमन होता रहता है। साथ ही भगवान महावीर का पुनरुद्धार करके, जीर्णोद्धार करके नूतन मंदिर बावन जिनालय के रूप में निर्मित किया गया है, जिसकी भव्यतम अंजनशिला का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 दिवसीय इस षोडशान्निका तत्वत्री प्रतिष्ठा महोत्सव में शुभ दिशा प्रदान करने के लिए पुण्य सम्राट युग प्रभावक आचार्य देव श्रीमद विजय जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के पट्टधर द्वय वर्तमान गच्छाधिपति धर्म दिवाकर आचार्य देव श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब, भंडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि विशाल श्रमण श्रमण वृंद का इस कार्यक्रम में पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जो 16 दिवसीय पर्यंत 5 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। 18 फरवरी को विशाल रथ यात्रा का कार्यक्रम चंद्रलोक जैन तीर्थ मंगलवार से प्रारंभ होगा, जो चल करके यहाँ पर पहुँचेगा। सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 12 बजे तक यह ऐतिहासिक अद्भुत विशाल रथ यात्रा होगी, जो अपने आप जैन समाज में एक इतिहास का रूप धारण करेगी। साथ ही यहाँ पर श्री वर्धमान राजेंद्र जैनागम मंदिर का निर्माण किया गया है, जो भगवान महावीर की वाणी है उसको ताम्र पत्र पर आलेखित करके स्वर्णाक्षर से मंडित करके उसकी भी प्रतिष्ठा का विशालतम कार्यक्रम 19 फरवरी को होने जा रहा है। जयंत सेन सूरी जी महाराज साहब की पुण्यभूमि का समाधि मंदिर की भी प्रतिष्ठा होगी। साथ ही शाश्वत जिन चैत्य का निर्माण किया गया है उसका भी विशाल भव्य 5 प्रतिमाओं के साथ गणधर पूर्वाचार्यों के साथ उस मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी।